फाइनली भोजन करने के बाद हम निकले हुए हैं आगे घूमने के लिए। फाइनली हम लोग आ चुके हैं मछलियों के एक्वेरियम में। बहुत खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पे मछलियाँ हैं। चलिए देखते हैं आज। बहुत ही खूबसूरत मछलियाँ हैं, बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। बहुत बड़े बड़े मछलियाँ हैं। यहाँ मैं खड़ा हूँ और मेरे सामने इस मछली का साइज है। कितनी बड़ी मछलियाँ हैं, बहुत ही खूबसूरत है ना। चलिए आगे देखते हैं। ये यहाँ पे है समुद्री मछलियों का एक और प्रजाति, ऑस्कर। इसका नाम ऑस्कर है। और इससे पहले जो मछली हमने देखा था उसका नाम है पिराना। ओह माय गॉड, ये तो पिराना है। ये जो मछलियाँ हैं पिराना है, जिसके बारे में मूवीज बनी हुई है। 9 इंच 16 इंच मेगा पिराना। और ये जो है ऑस्कर नाम की मछलियां हैं, ये समुद्र की गहराइयों में पाई जाती है। काफी खूबसूरत मछली। देखा विशु कितना बड़ा है बेटा। तो दोस्तों ये है ऑस्कर मछली। इसकी 2 या 3 प्रजाति अलग अलग टाइप की पाई जाती है। और ये विशेष तौर पे समुद्र की मछलियां हैं और काफी बड़ी बड़ी मछलियां हैं। मतलब मेरे हाथ का साइज देखिए, बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं। बहुत ही खूबसूरत म्यूजियम है, काफी बड़ा बड़ा म्यूजियम है, सजो के रखा गया है। ये देखिए जाइंट गुरामी, ये एक विशेष प्रकार की मछलियाँ होती है। इसकी भी 2-3 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, बोला जाता है। और ये देखिए, ये है जाइंट गुरामी, काफ़ी बड़ी मछली है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत बड़ी मछली होती है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये है टाइगर शार्क मछलियाँ हैं। और ये वाइट शार्क भी होती है, टाइगर शार्क भी होती है। और यहाँ पे देखिए शार्क मछली, बहुत सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी शार्क मछलियाँ हैं। औसतन एक मछली का बीच में वजन होगा 8 से 10 किलो लगभग होना चाहिए लग रहा है। दोस्तों ये देखिए, ये मेरे पीछे जो है टाइगर शार्क मछली है, काफ़ी बड़ी बड़ी मछली है। और आप लोग को बता बेटा, ये है कैटफिश शार्क। कैटफिश शार्क बोलते हैं। देखिए इस मछली का एक आंख, क्या चीज़ है ये, बाहर से निकला हुआ। ये बिल्कुल कैटफिश शार्क बोलते हैं। हमारे यहाँ ऐसी मछली जो आती है सवाली नाम से आती है, लेकिन ये सारे के सारे समुद्री मछली है। देख सकते हैं विशु का साइज देखिए, और ये एक्वेरियम का साइज देखिए, और मछलियों का साइज देखिए, काफी बड़ी बड़ी मछलियां हैं। और यहाँ पे है देखिए ब्राउन एरोवाना मछली का नाम होता है। 4 फीट तक लंबी होती है मछली। 77 फ़ारेनहाइट डिग्री में सरवाइव करती है। और ये देखिए काफ़ी बड़ी मछली है, बहुत खूबसूरत मछली है। हेलो, शर्मा रही है शायद, छुप रही है, अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रही है। काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत वो बना हुआ है। और यह एक बहुत बड़ा म्यूजियम है ना, यहाँ शुरू से आखिर तक आपको सिर्फ मछलियाँ ही मछलियाँ दिखाई देंगी। चलिए देखते हैं आगे क्या देखने को मिलता है। हाँ, कोई फिश, तो ये होता है कोई फिश। कलरफुल मछलियाँ होती हैं इनकी प्रजाति। और कोई फिश देखिए, काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत कोई फिश है। बहुत बड़ी बड़ी साइज की मछलियां हैं।
और इसको इतना बढ़िया पानी के टंकी में रखा गया है। देखिए कुछ मछलियाँ तो ऐसे पानी में छिपकी हुई बैठी हुई है। इसकी बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अभी ये जो मछली आप देख रहे हैं प्रॉपर यहाँ पे समुद्र से ही निकाली गई मछलियाँ हैं। बड़े टंकी में देखिए, पीछे देखिए, काफ़ी बड़ी टंकी है यहाँ पे। उस टंकी में इसको बढ़िया से सजा कर रखा गया है। एकदम समुद्र वाली फीलिंग यहाँ पे आ रही है। दोस्तों अभी मैं जहाँ पे हूँ वहाँ से हर तरफ मेरे को मछलियाँ ही मछलियाँ दिख रही हैं, एक से बढ़कर एक। मैं कोशिश करूँगा आपको सभी मछलियों के एक एक झलक दिखाने की। चलिए देखते हैं और कौन सी मछली है हमारे पास। ओ माय गॉड, ब्लू कांगो चिल चिल, अलग ही टाइप की मछलियाँ हैं। छोटी छोटी मछलियाँ होती है, देखिए ये काफ़ी छोटी मछलियाँ होती हैं, पर यहाँ के समुद्र में पाई जाती हैं और बहुत ही खूबसूरत मछलियाँ हैं ये। और यहाँ पे है टाइगर शार्क की एक और प्रजाति। दोस्तों टाइगर शार्क मछलियाँ काफ़ी ख़तरनाक मछलियाँ मानी जाती है और ये समुद्र से निकाली जाती है। काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं दोस्तों। अभी जो टाइगर शार्क मैंने आपको दिखाया है इसकी बहुत सारी प्रजातियाँ यहाँ पे देखने को मिली। चलिए देखते हैं हमें और कौन कौन सी प्रजाति देखने को मिलती है। एरोवाना, ये काफ़ी खूबसूरत मछली है, ये तो सौभाग्यशाली लोगों को ही देखने को मिलती होगी। देखिए दोस्तों कितनी खूबसूरत मछली है। OMG, बहुत ही खूबसूरत मछली और काफ़ी बड़ी मछली है। एक बार अपना हाथ रख के दिखाइए, आप साइज देखते हैं। देखिए दोस्तों ये इतनी बड़ी मछली है, बहुत ही खूबसूरत मछली है। ये है कैटफिश की एक अगली प्रजाति। कैटफिश जो कि प्रॉपर कई कलर के होते हैं और यहाँ पे सफ़ेद कलर के कैटफिश की कलेक्शन है। देखते हैं, चलिए देखिए कितनी खूबसूरत मछली है। ओहो, बहुत ही खूबसूरत मछलियाँ हैं। यहाँ पे एक ब्लैक कलर की कैटफिश भी दिख रही है मुझे, बहुत ही खूबसूरत मछलियाँ। फिर हम आते हैं एरोवाना और इसी की एक और प्रजाति है जिसको मैंने कुछ देर पहले आपको दिखाया था, उससे मिलता जुलता ही प्रजाति है। देखिए इसकी फीट इसकी लंबाई 4 फीट से 6 फीट के बीच हो सकती है। काफ़ी बेहतरीन मछलियां हैं। अब मैं आपको सेक्शन 2 में लेके चलता हूँ। सेक्शन 2 में मछलियों का नाम तो डिस्प्ले नहीं किया गया है लेकिन काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत मछलियां हैं यहाँ। ये देखिए, ये हमारे तरफ पोतरी मछली बोलते हैं वैसी टाइप की मछली है, लेकिन ये समुद्री मछली है, बहुत ही खूबसूरत मछली है। अमेजॉन मछली, ये भी ऑस्कर सीरीज की एक मछली है, काफ़ी खूबसूरत होती है। अभी फाइंडिंग नेमो, यहाँ देखिए पैरोट फिश, पैरोट फिश के नाम से जानी जाने वाली ये मछलियाँ काफ़ी खूबसूरत होती हैं। पीले कलर की मछली है, 8 इंच तक का इनका हाइट और साइज हो सकता है बता रहे हैं यहाँ पे। बहुत ही सुंदर मछली। अडुलेट ट्रिगर फिश, ये कौन सी मछली है, ये बड़ी विचित्र टाइप की मछली। देखिए समुद्र का जीवन वाकई में बहुत ही खूबसूरत होता है, प्यारी प्यारी मछलियां होती हैं जो कि हम लोग को देखने को नहीं मिलती। मोराई किल कहा जाता है इस मछली को, एकदम सफ़ेद कलर की होती है। देखिए कितनी खूबसूरत मछली है, पप्पी देना चाहती है।
एकदम फ्रेंडली मछली है ना, बहुत सुंदर है, एकदम क्यूट सी मछली है। देखिए एक्वेरियम का साइज तो देखिए, ब्लू एकरा। एकरा नाम से जाने जाने वाली मछली है, बहुत ही खूबसूरत मछली, वाकई में बहुत खूबसूरत। विशु का कहना बिल्कुल सही है 100%, और बहुत खुश है विशु मछलियों को देखकर। यहाँ पे देखिए टाइम फिश, टेम फिश, टेम फिश, अलग ही टाइप की मछली। अरे ये तो और अमेजिंग मछली, ये कौन सी मछली है भाई, अलग ही टाइप की मछली है ये तो, रेत में छुप जाएगी पता ही नहीं चलेगा, इतनी खूबसूरत। एलिगेटर का ये मछली, अरे बाप रे, इसके मुंह को तो देखिए, मगरमच्छ टाइप का है। एलिगेटर मतलब घड़ियाल वाली मछली है, घड़ियाल की शक्ल की, काफी बड़ी बड़ी मछलियां हैं। इतनी खतरनाक खतरनाक मछलियां समुद्र में पाई जाती हैं। टाइगर शार्क की एक और प्रजाति है यहाँ पे, टाइगर शार्क का कलेक्शन बहुत है इनके पास, है ना। टाइगर शार्क जो है वाइट, और ये देखिए ये वाली जो शार्क है जो टीवी में दिखाते हैं अक्सर, पाकू मछली, देखिए पाकू मछली, ये बड़ा विचित्र प्रजाति है, काले कलर की होती है, काले कलर की मछलियाँ होती है। और ये है ऑस्कर सीरीज की एक और मछली है, कार्पेट एनोमेनी। कितना बड़ा है ये, देखिए मेरा हाथ का साइज देखिए भैया, और मछली का साइज देखिए, ये देखिए इतनी बड़ी मछली है ये। और आगे देखते हैं क्या है, सिल्वर शार्क है, देखिए सिल्वर शार्क दिखा तो है लेकिन शार्क जैसा तो नहीं लग रहा है, ये थोड़ी विचित्र दिख रही है। ये थोड़ा अलग ही टाइप की मछली है, शांत मछलियाँ हैं। ये है पिराना, इसके बारे में पिक्चर बना हुआ है दोस्तों, मेगा पिराना करके, ये समुद्र की सबसे खतरनाक मछलियों में से एक है। देखिए इसके दांत होते हैं मछली के, बहुत ही खूंखार मछली होती है, भयंकर टाइप की मांसाहारी मछली है पिराना। ये भी एक तरह की मछली है, इसका नाम तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है लेकिन काफ़ी खूबसूरत है, और इसको बकायदा गोल से, बहुत सुंदर गोल से बना हुआ जो क्या बोलते हैं एक्वेरियम है उसमें रखा गया है। तो इस तरह से हमने कुछ शानदार म्यूजियम का दर्शन किया है, काफ़ी खूबसूरत जगह है, और यहाँ पे आने के लिए 50 रुपये का टिकट प्रति व्यक्ति से दिया जाता है एडल्ट के लिए, और आप अगर यहाँ पे आते हैं तो ज़रूर यहाँ का दर्शन कीजिएगा, काफ़ी शानदार जगह है, आपको अलग ही दुनिया में ये जगह लेके जाती है। समुंदर के अंदर की जो खूबसूरती है उससे यह जगह बिल्कुल अवगत कराएगी आपको। तो दोस्तों अभी हमने मछली देखी थी, है ना, अब इसके बाद कछुए के सेक्शन में आ गए हैं हम लोग, और यहाँ मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा समुद्र के अंदर कितनी सुंदर सुंदर कछुएँ होती हैं, और कुछ कुछ मछलियाँ भी होती हैं। देखिए मेरे पीछे बहुत सारे एक्वेरियम आपको दिख रहे होंगे, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये देखिए ये समुद्री कछुए होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े कछुए होते हैं, मेरे ख्याल से एक एक कछुआ यहाँ पे कम से कम 7 से 8 किलो वजन का होना चाहिए। काफ़ी सारे कछुए यहाँ एकत्रित किए गए, देखिए ये कछुओं का सेक्शन,
और किसी में एक और सेक्शन है समुद्री कछुए की, अलग ही प्रजाति है ये भी। यहाँ पे नाम मेंशन नहीं किया गया तो मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा। कॉन्गनिक टर्टल का नाम है, कॉन्गनिक टर्टल जी है, यहाँ लिखा हुआ है। ये देखिए अलग ही टाइप की प्रजाति है। और ये जो पहले आपको दिखाया था वो है हेड एरियड ग्रीन टर्टल, ये जो शुरू में आपको मैंने दिखाया था। टेट्रा नाम से मछलियाँ होती हैं, 3 सेंटीमीटर के साइज की होती है। देखिए कितनी छोटी होती है, बहुत प्यारी मछली होती है। तो देख लीजिए फ्लावर हार नाम की मछलियाँ है, जो हमारे यहाँ पोतरी मछली जो बोलते हैं उसी से मिलता जुलता मछली। अरे ये टूटा हुआ है, कुछ नहीं है, यहाँ पे अंदर मेंटेनेंस चल रहा है दोस्तों। बहुत ज्यादा कुछ विशेष देखने का तो नहीं दिख रहा मुझे। कॉमन मछलियाँ हैं जो हम जनरली एक्वेरियम में देखते रहते हैं। बस आप ऐसे ही देख लीजिए इस जगह को, कैसा है ये जगह। ये नीमू, बहुत सारी मछलियाँ मर गई हैं यहाँ पे, मेंटेनेंस तो वर्क ही नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है, यह सेक्शन कुछ खास नहीं है, यहाँ बस बताया गया मछलियों के इस तरह के फिश विश फिंग विंग होते हैं, इस तरह के मछलियाँ होती हैं अलग अलग टाइप की, ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों। इस सेक्शन में दिखाने के लिए बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। फाइनली हमने एक्वेरियम का भी दर्शन कर ही लिया है, अब हम लोग जा रहे हैं आगे सबमरीन देखने के लिए। सुनने में आया है काफ़ी खूबसूरत सबमरीन है यहाँ पे, चलते हैं और मज़ा लेते हैं सबमरीन का। फिश एक्वेरियम जो है, जो बीच है वहाँ से लगा हुआ है, मतलब महज रोड क्रॉस करो और फिश एक्वेरियम आप पहुँच जाते हैं। और यहाँ पे फिश एक्वेरियम में एक बड़ा सा मछली का वो बना हुआ है, और वहाँ पे विशु मछली के मुंह के अंदर चले गया, देखिए। दोस्तों यहाँ मुझे एक नई चीज़ देखने को मिली है, मैं आप लोग से शेयर करना चाहूँगा। देख यहाँ जितने भी बिजली के खंभे लगाए गए हैं उसमें पूरा सोलर प्लेट लगा हुआ है, ये हर चीज़ ऑटोमेटिक स्वचलित है, मतलब यहाँ की गवर्नमेंट इतनी अच्छी व्यवस्था करके रखी है, पूरी बिजली ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है। मैं पास से दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। सब कुछ ऑटोमेटिक है, सोलर प्लेट।